हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ा कढ़ी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, जिसे आप घर पे कम इंग्रेडिएंट में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रतिभा किचन में। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हमने लिया है 1 कप बेसन, जिसमें हम आधे कप बेसन का पकौड़ा बनाएंगे और आधा कप बेसन रख लेते हैं हम कढ़ी बनाने के लिए। चलिए पकौड़े के लिए हम बैटर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले बेसन में हमने डाला है आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हल्के हाथों से मसल लेंगे, इससे पकौड़े का स्वाद और बढ़ जाएगा। थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा नमक, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेटर को बना लेंगे। ध्यान रहे एक ही साथ पानी हमें ज्यादा नहीं डालना है, इससे बेसन में गुठलियां पड़ जाएंगी। बेटर हमारा तैयार है, अब इसे हम 15 से 20 मिनट तक रख देंगे। अब हम तैयार कर लेते हैं कढ़ी का घोल। मिक्सर जार में हमने डाल दिया है बेसन, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 कप फ्रेश दही। अब इसका हम घोल तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा कढ़ी के लिए घोल बनके तैयार है। 15 से 20 मिनट हो चुका है, पकौड़े का बेटर हमारा तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग सोडा। जब आपको पकौड़ा बनाना हो तभी आप इसमें बेकिंग सोडा डालें। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। चलिए पकौड़े हमारे तैयार कर लेते हैं। इसके लिए पैन में लिया है हमने 1 कप राई का तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब आप राई के तेल के जगह कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम तैयार बेटर का पकौड़ा बना लेंगे। देखिए पकौड़े में थोड़ा थोड़ा छेद बन गया है, अब इसे हम पलट लेते हैं। जो पकौड़े में छेद पड़े हैं उसमें कढ़ी जब घुसेगी तो पकौड़े आपके एकदम सॉफ्ट बनके तैयार होंगे। पकौड़े हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकाने हैं, वरना पकौड़े हमारे नीचे से जल जाएंगे और सॉफ्ट नहीं बनेंगे। इसी तरह सारे बेटर का पकौड़े हम बना लेंगे। देखिए पकौड़े कितने सॉफ्ट बने हैं। अब चलते हैं हम कढ़ी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया है कढ़ाई में राई का तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम मेथी के दाने और कटा हुआ अदरक, 7 से 8 कड़ी पत्ते, 2 लाल मिर्च। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे बेसन का घोल, इसके साथ हम 3 कप पानी डालेंगे। अगर आपको कढ़ी और पतला चाहिए तो और ज़्यादा आप पानी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद लगातार चलाना है जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। देखिए कढ़ी हमारी पक चुकी है, अब इसमें डालेंगे पकौड़े, स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रहे हमने पकौड़े में नमक डाले हैं, इसके लिए हमने नमक कम डाला है। नमक डालने के तुरंत बाद हमने गैस को ऑफ कर दिया है। चलिए अब तैयार कर लेते हैं कढ़ी के लिए तड़का। तड़का पैन में डाला है हमने 2-3 चम्मच राई का तेल, 1 छोटा चम्मच राई या सरसों, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, थोड़ा सा हींग, 7 से 8 कड़ी पत्ता और 2 लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच लाल काश्मीरी मिर्च पाउडर। तड़का हमारा तैयार है, अब हम लगा लेंगे कढ़ी में तड़का। इसमें हम डालेंगे थोड़ा कटी हुई हरी धनिया। आप चाहें तो बिना तड़के के भी खा सकते हैं, लेकिन तड़का मारने से इसका स्वाद और ही बढ़ जाता है। चलिए हम इसे अब सर्व कर लेते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।